अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा आपने इंटरनल चेंज के बारे में बात की है, अभी हाल ही में देखेंगे आप ऑफिस के पास में एक रोड बन रहा है अभी, तो हम लोगों का ऐसा गवर्नमेंट बनाती है, एमसी बना के दे देती है, बट कुछ दिनों तक भी हम लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता कि वो रोड को यूज़ ना करें, फिर बाद में इंडल्ग होते यानी कि डिसबैलेंस होते तो फिर अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते। तो इसमें इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ने क्या रोल अदा करना चाहिए? इस तरह के और भी कई डेवलपमेंट्स होते हैं अपने एरियाज़ में, जैसा इससे पहले गार्डन डोम्स वगैरह भी लगाते, तो सब हमने अपने हाथों से वैनिश कर दिया, तो आज खंडर बन गए। तो अथॉरिटीज़ भी डेवलप करके बेजार आ जाती कि ये एरियाज़ को डेवलप नहीं करना है, तो इसमें क्या हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए? मैंने एक अच्छा सवाल किया। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है कम्युनिटी को डेवलप करने में, एरिया मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम सबके लिए करते हैं माशाल्लाह वो काम। भाई का सवाल था कि अब रोड बना दिया लेकिन लोग उतने दिन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि वो बंद है, तो क्या उसमें झगड़े चल रहे कि हम इस्तेमाल करेंगे इससे ख़राब हो सकती है? गार्डन बनाए, पार्क बनाए, कई चीज़ें बनाए, कम्युनिटी के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप ये बोले कि गवर्नमेंट हमारा ध्यान नहीं दे रही, मानता हूँ मैं कुछ जगह, लेकिन सवाल ये कि आपने अपील की कभी उनको, ऐसा कुछ काम करके बताया कि उनको लगे कि हाँ ध्यान देना ज़रूरत है? मैं एक सिग्नल का वाक़या सुनाता हूँ। सिग्नल लगे थे औरंगाबाद सिटी में, मुस्लिम जो पूरा बेल्ट है उसके अंदर कहीं भी सिग्नल नहीं आते, कहीं भी सिग्नल नहीं, एक जगह सिग्नल लगे थे। अब सिग्नल पे हम जाके खड़े हो गए तो हर कोई आदमी अपने को शर्म आ रही, वहां खड़े नहीं, कोई दुकानदार तक बाजू बोल रहा निकल जाओ फैज भाई निकल जाओ, तू तो अपना अहमक के जैसा अकेले खड़ा हुआ मैं उसको, कोई नहीं, लिटरली बोल रहा था, मतलब वो उसकी कोई अहमियत नहीं थी बेचारे को, औकात नहीं थी, सिग्नल खुद देख देख के खुदकुशी कर रहा था हर रोज, समझो जाके टकरा रहा हूँ बाजू दीवार से कि मेरे को कहाँ लगा दिया अल्लाह, ये कहाँ लगा दी, ये कौन सी कौम है यार, ये कहाँ रहते ये लोग दुनिया में? मियाँ भाई के थोड़े एक्सीडेंट होते, मियाँ भाई के लिए ट्रैफिक थोड़ी, हमारी गाड़ियाँ कैसी चलती, मालूम ऐसा एक्सीडेंट हो गया आ गया तो अल्लाह ताला ये गाड़ी को इधर निकाल देता, ये गाड़ी को इधर निकाल देता, हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। ट्रैफिक जाम जैसी चीज़ हमारे पास है ही नहीं, कहाँ है ट्रैफिक जाम हमारे पास? यहाँ से हम निकलते हैं तो पूरा मुस्लिम एरिया एक गाड़ी नहीं, मतलब जब मैं चला तो सिर्फ मेरी गाड़ी चलती रास्ते में, कोई दूसरी गाड़ी माशाल्लाह है ही नहीं, तो सिग्नल ही क्या जरूरत है ऐसी जगहों पर जाइए, मसला है। सिर्फ 15 मिनट हम चलीपुरे में रुक जाते हैं, 15 मिनट 2-3 मिनट 4 मिनट हमारे चंपा चौक पर जाते हैं, आधा घंटा रोशन गेट पर खर्च होता है इनको। सो ये तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट से तो हम तरक्की पाते हैं ना, अल्लाह इसका तो अज्र देता हमको, खड़े ट्रैफिक में खामोखा जाम करके, फकीर आके बैठा हुआ बीच में, हाथ गाड़ी लगी हुई हमारी उसके अंदर। रमजान का बाजार अगर रोशन गेट पे नहीं लगेगा, चाहे कोई मरने वाला मर भी जाए हार्ट अटैक से, वो मसला नहीं, रमजान बाजार लगना ये तो फराइज में से है ना, इसके लिए अगर जाने चली जाए तो हम लोग कुर्बान, इसके लिए तो देने को तैयार। कॉरपोरेशन बोली भाई अंदर लगा, उधर कौन जाएंगा अंदर लेने, है ना, वो गालियां दे रहे कमिश्नर को, रास्ते में लगा कितने खुश हो रहे हैं। हदीस में कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये ईमान का हिस्सा है। तो फिर क्या होता, ये अब प्रशासन ये कर रहा, गवर्नमेंट ये कर रही, बोल के फायदा नहीं होता था उसका, जो किया गया उसका फायदा आपने क्या होता, ढापे डाल के गए अपने घर में ले आके अपने चेंबर पे डाल दिया। ये सब हो रहा, कॉरपोरेशन के रोड बनने के लिए सीमेंट आ रहा, घर बन जा रहे उतनी देर के अंदर, ये सब हो रहा था। फिर आप रो रहे हैं हुकूमत, ये सब चीज़ें याद रखिए, सबसे पहले तो अपने रब को हमने नाराज़ कर दिया, उसके बाद उसके दीन और शरीयत को बाला ताक रख के हमने ज़िंदगी में अमल किया, उसके बाद हमारा ये हाल है कि हम दुनिया के किसी चीज़ को जो इंसानी बेनिफिट के लिए बनाई जाती है और शरीयत उसको बिल्कुल ताकीद करती है कि ऐसी हर सिस्टम को माना जाए जो उनके बेनिफिट के लिए बनता है, चाहे सिग्नल के फॉर्म में हो, लाइन लगने के फॉर्म में हो, क्यू में जाके कोई चीज़ हासिल करना हो, अपनी चीज़ हो या डॉक्यूमेंट सबमिट करके लेना हो, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते, फिर हम परेशान अपने आप को, लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि कम्युनिटी खुद इतनी बायस है, हम खुद ही दूसरों के बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं कि वो सोच सोच के वैसे हम खुद नेगेटिव बन जाते हैं और हमको सारी दुनिया नेगेटिव नजर आती है। हम लोगों को भी अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करने की ज़रूरत है, हम लोग भी चेंज के लिए रेडी हैं, सिग्नल लगना एक अच्छा चेंज है, इससे मालूम आपको मार्केट की वैल्यू आती है। लोग ये नहीं बोलते वहाँ जाके गाड़ी फंस जाती है, बोलते यार बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रैफिक निकलता वहाँ से, ज़रूरी वहाँ ही होना, चलो इधर से चलेंगे। जब ट्रैफिक बढ़ेगा आपके रास्तों पर तो कस्टमर बेस फुटफॉल बढ़ता है, इसको बोलते हैं फुटफॉल, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो आपकी इकोनॉमी डेवलप होती है। हमको कोई ज़रूरत नहीं मियाँ भाई को, हल्ली वल्ली उधर अल्लाह ताला देने वाला है, हाँ भाई अल्लाह ताला ही देने वाला है, घर के अंदर ही दुकान खोले ना था ना, रोड पर क्यों खोले ला के? आप बोले असबाब 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 इख्तियार करना, रोड पर खोले तो कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा होता। मैं ये तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने आपको दुकानें बनाई, उसके बाद पार्किंग बना, उसके बाद रोड है, आपने दुकानों को पार्किंग ले लिया और रोड पर पार्किंग आ गई और रोड के अंदर आधी रोड पे सिर्फ ट्रैफिक चल रही, और अगर पुलिस वाले आके हटाए तो जुल्म हो रहा, हम पर धंधे खराब कर रहे हैं हमारे,
मैं कह रहा हूँ अच्छे धंधे करने वाले लोग आपके पास आ ही नहीं रहे, हमारे पास का खुद सबसे क्रीम तबका जो यहाँ जाके परचेस नहीं करता कहीं और करता, क्यों? गाड़ी लगाने को तो जगह हो ना, कहीं औरत उतरे पीछे जो बैठी हुई है उसको उतरने को तक जगह नहीं। तो मार्केट देखिए कोई डेवलप नहीं हुआ पूरे एरिया में, अब आप किसी को कोस के कोई फायदा नहीं। बहुत सारी बारी बातें सुनकर बोलता रहे भाई आपको ऐसा लगता गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहे, वैसा नहीं है यार। तुमको अक्ल थोड़ी सी, इसको अक्ल बोलते ना, उसको मराठी में थोड़ा रफली अक्ल बोलते, उतना अगर तुमने अगर हासिल कर लिया ना तो तुम समझ जाओ। नहीं नहीं ये जुल्म हो रहा, बोले हमारे एरिया के पूरे वो तोड़ दिए, घर तोड़ दिए इनको, मतलब क्या था आपका मास्टर प्लान में तोड़ दिए। सवाल ये कब तोड़े उन्होंने मास्टर प्लान में आगे, तो बोले हाल में मेरा घर 2015 में टूटा। हाँ मास्टर प्लान कब का था? 1965 का। तो क्या जुल्म हुआ? 1965 से आपको बोला जा रहा है 75, 85, 95, 2005, 2015, 50 साल हो गए ना। अब 50 साल ज्यादा क्या होंगे? देखिए सिटी का डेवलपमेंट कैसा होता है, वहां पर टूटे भी थे कैसा, चार टूटे बीच का एक रह गया, पूरी पार्किंग बन गई उसके आसपास, रोड तो बड़ा नहीं। याद रखिए जब तक रोड बड़े नहीं होंगे, पार्किंग फैसिलिटी नहीं होंगी, ऐसी जगह मार्केट से लोग आते नहीं परचेस करने। ये मजबूरी वाले आपकी दुकान चल सकती, डायपर की दुकान चलेंगी, भजी की चलेंगी, समोसे की चलेंगी, छोटी मोटी चप्पल की चलेंगी, खाने पीने के प्रोडक्ट चलेगा, कभी कोई शोरूम और कभी कोई अच्छी दुकान ब्रांड आएगा नहीं आपके इलाके में। बता दो मुझे कोई ब्रांड पूरी एरिया के अंदर नहीं आ सकता, कोई एक शोरूम जो खाने के इसमें और कोई एक शोरूम, वो छोटू के गोली और बड़े वो चलेंगे सब आपके पास, लेकिन आपको बड़ा ब्रांड ला के बताओ कि डोमिनोज है हमारे एरिया में, पिज्जा हट हमारे पास खुला है, हमने फलाना, एक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? वो नॉन मुस्लिम के पास जाते ना, अहमद खाना और बेवकूफाना बात मत करो, जो उनको रूल के हिसाब से जगह चाहिए, जो रूल के हिसाब से काम चाहिए। अरे आपके घर का तो परमिशन में नहीं है, ये शोरूम्स परमिशन वाले घर के अंदर किराए से घर लेते हैं, आपके तो परमिशन वाला घर नहीं है, कोई बनावा तो लेंगे क्यों आपके पास? सवाल ये है। बहुत से लोग बोले बैंक हमारे से तासुब कर रहा है, बैंक तासुब कर रहा है, मुसलमानों से बैंक तासुब कर रहा है। अरे ये ताज्जुब की बात है, मैं आपको बता रहा, नोट कीजिए, हरकल गेट से लेकर काड़पुरे तक एक भी बैंक नहीं बीच में, एक महाराष्ट्र बैंक खुला था रोशन गेट पे, उठा दिया उन्होंने ब्रांच। कितना लोगों ने धरना दिया कि इसको बाकी रखा जाए, क्यों उठाया? गवर्नमेंट चालबाजी चलती है, चालबाजी करे, चालबाजी नहीं आपकी, ये बैड डेप्ट आपने जो क्रिएट की ना, जो पूरे के पूरे आ रहे, जो लेने वाले सिबिल के हिसाब से एक को भी लोन नहीं मिलना चाहिए, तो बैंक क्यों ऐसे एरिया में खोलेंगी जिनका पूरों का सिबिल रिकॉर्ड खराब है? बैंक को देना है लोन, बैंक की मिलती है आपसे फैसिलिटी, बैंक से मिल रही स्कॉलरशिप, बैंक होता ना सारी चीजें आजकल स्कीम फंसी आ रही। सवाल ये, जिस इलाके में आप रहते हैं अगर वहां पूरे सिबिल स्कोर में सब नेगेटिव हो तो कोई बैंक नहीं खोलती है वहां अपना इदारा, आपके पास तो एटीएम भी नहीं। अभी चंद एटीएम है, 2-3 जगह खोले, और क्या हाल है उनका देखे? वो बैंक वाले परेशान रहते, साहब वो एटीएम तो हमने तुम्हारी एरिया में डाल दिया, एक तो सिक्योरिटी का मसला, बेसुधर हरकत है, दरवाजा खुला तो खुला, एसी का निकाल कर चल जा रहा, यूनिट तो फलां कर रही है, करे वो एक मसला, दूसरा जो घर में लिए ना बोले तो वो ना वो उसका परमिशन है ना उसका वो टैक्स किराया भाड़ा बनाता जल्दी किराया कुछ भी बोलता, मतलब सेंसलेस हरकत कर दी फॉर्म, फिर बोले डेवलपमेंट नहीं हुआ। बुरा मत लगने दीजिए मेरी बात को, हमने खुद अपने आप को तब्दील ना करने के मोड में ले जाकर अपने आप को बर्बाद किया। घर में जाते जाते घर के बड़ों का, हमारे जिम्मेदारों का लिए, घर में जाते जाते पान का बीड़ा निकाल के मुंह में पान डाल के उसका रोल करके घर के बाजू सड़क पे भी पच 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 मारते हुए फिर घर में पहुंच रहा हूं। क्या सफाई, क्या तहारत, क्या पाकिजगी रहेंगी इस फॉर्म में जिसका हर आदमी इस तरह चला, हर बच्चा किसी की भी दीवारों को समझ रहा पेशाब करने की जगह है। ये अभी थोड़ा सा कम हुआ लेकिन आज भी आप देखो कहीं पेशाब करने खड़े हैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। क्या है गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं आता। हमको अपने आप को तब्दील करना है, जब कौम अपने आप को तब्दील करने में उतर जाती है ना तो फिर कोई उसके लिए तब्दील हो मत हो वो दुनिया को तब्दील कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, गुरबत का आलम ऐसा है किसी को इंतिया नहीं। मैं आपको कितनी रिवायतें बताऊंगा कि सहाबा में से ऐसे थे जो चिथड़े चिंदियां टुकड़े और कपड़े नहीं थे तो पहने में, तो यहां तक के रिवायत अल्फाज शर्मगाह भी इनकी खुल जाती थी। ये गुरबत का आलम। हदीस याद कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला आया, इतने गरीब लोग के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर अपील की लोगों से, इनको कुछ दो, लोगों ने ला के हालांकि मदीना भी गुरबत का, लेकिन उनको दिया ये किस्म की आबादी, इतनी गुरबत, कपड़ा नहीं पहने। लेकिन सोच देखिए आप क्या है, दुनिया में चेंज लाने का पावर देखिए कैसा था, एक तब्दीली तो वो होती है असल तब्दीली, अज़्म जिसमें रहता है कि मेरी हालत आज जो भी हो मैं कल सोचता हूँ कल क्या होने वाला, मैं आने वाला कल देख रहा हूँ उसकी मेरी प्लानिंग है। दुनिया जो चीज़ नहीं देखती मैं चीज़ भाप सकता हूँ, वो प्लानिंग लगती है, फिर उसको पैसा नहीं लगता है, उसको कोई सोफेसी कंट्री नहीं लगता। जब आपकी सोच बदलती है ना हालात बदल जाते हैं आपके तरफ। देखिए फिर मदीना और मक्का क्या बने और सऊदी अरब क्या बना
اور پورا گلف اور پورا جس کو بولیں عرب ممالک کیا بنے اور پوری امت مسلمہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی سینچریز آنے تک. کم از کم 7 سینچریز تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, 7 صدی تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے. ان کا فیشن, ان کا ہر چیز تھا. تو یہ سوچ تھی وہاں سے نکلی جو اتنی غربت میں زندگی گزار رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلف صالح. تو بہرحال سوچ کے لیے پیسہ نہیں لگتا. ہم جو بولے نا حکومت, یہ وہ سب سب فالتو باتیں. چینج اندر سے آتا ہے. ان کی کیا غلطی وہ چھوڑو, میں بول رہا ہوں اپنی کیا اصلاح پہلے ہم کو کرنا ہے. صرف دوسروں کی غلطیاں کاٹ دیں, ان کے آنکھ میں یہ, ان کے آنکھ میں وہ, چھوڑو اپنے آنکھ میں کیا پہلے وہ نکالو, بس باقی دنیا کو چھوڑو, دنیا خود نکالیں گے بعد میں. ہم دوسروں کی غلطیاں, انہوں نے یہ کیا, ہم کو حکومت جاب نہیں دے رہی, فلاں نہیں کر رہی, آپ اپنے حالات بناؤ, اس اپنے حالات بناؤ. تو بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا چینج لانے کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. ہم لوگ ذرہ برابر بھی چینج کو تیار نہیں. آپ دیکھیے مزید میں جوتے چپلوں کا نظمی دیکھ لیجیے, تو بتاؤ کیا چینج ہے. جمعہ کو آتے ہیں, آپ تعجب کریں گے, پہلے تو ایک ریگی ہوں گی پورے مسجد میں اگر رہی تو, اور جس نے بھی لگائے ہوئے تو پورے لوگوں کیسا رہتا, ہوتی باہر ہی جا رہے تم, جوتے چپلوں کی جگہ. آج کل جوتے چپلے کتنے مہنگے آ رہے معلوم آپ کو, لوگ 10-10 ہزار کے جوتے پہنتے ہیں. اس کو پیر رکھ کے جاؤ پسند کریں گا. تو ایک تو سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ایسی مسجدوں میں جاتے ہی نہیں, مسجد دوسری ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے, چاہے مسجد کہیں کی ہو نہیں بھی آ رہے ہو, چونکہ جوتا اتار کے پورا جوتا خراب ہو جاتا ہے ایک دن میں, جوتا رکھنے کی جگہ نہیں. جاتے جمعہ کے لیے 500 لوگ مسجد میں, جس کی کیپیسٹی 200 کی رہتی, چھت, بازو والے کی چھت, ادھر 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 روڈ سب. اب 500 لوگ بولے تو 1000 چپلے. اب 1000 چپلے بولے تو 200 میں 100 چپلے اندر ہیں اور 400 پھیلی ہوئی. جب 400 چپلے پھیلتی نا, جب آنے والے جو آتے نماز چھوڑ کر, تو وہ جو رش رہتا نا, وہ نکلنے کو جو لگتا 15 منٹ, وہ اس کی وجہ سے نہیں نکلتا کہ رش بہت تھا, وہ چپلے ڈھونڈنے والا ایک ایسا رہتا کہ اس کی ایک مل جاتی ہے, ایک نہیں ملتی اس کو آخر تک. دوسرا بھی ایسا, پورے لوگوں نے روکا ہوا, مطلب اب ان خالی سے دیکھتے رہو اس کی چپل نہیں مل رہی. اب میری چپل تو میں نے جگہ رکھا تھا کہ میں بھی پیچھے کھڑا رہتا, تو جس نے رکھا 100 لوگ جو چپل رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے چپلوں کو ایسا لے کے پیچھے, جو ابھی چپل ڈھونڈ رہا نا, کو فٹ بال مار کے باہر لے گیا ہوا ہے, کس کی چپل باہر مل رہی ہے, کوئی کوسرا چپل کو گرانے والوں کو کہ لعنت ہی یہ لوگ فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں, یا کسی نے اس کی چپل تہارت خانے میں لے گیا اٹھا کر. کس کو کیا پرواہ جی, کس کا کیا ہے, بس کچھ بھی ہے اپنا ہے, امت کا سب کچھ, جو کچھ ہے میرا ہے والا معاملہ ہمارا چل رہا ہے, اٹھا کے لے کے چل جا رہا, ساری چیزیں یہ ہو رہی. اس کے بعد چپل مل رہی نہیں, چپل ملی نہیں آپ کے غلط رکھنے سے, گم گئی ہے وہ کہیں تو بھی یہاں پڑی. اب کیا کر رہا ہے اس نے, اس کا دماغ کیسے چلتا, اب جان تو جو گئی وہ گئی, اب وہ نیا دیکھ لیتے کوئی تو بھی, مطلب جو مل رہی وہ اپنی ہے نا ہر وقت. تو ایک آدھ نئی چپل دیکھتا اچھی والی تھوڑی سی پہن کے چلا, پھر وہ قصہ بھی آتا میری چپل گم گئی, چپل گم گئی تو ننگے پر آیا, نہیں نہیں دوسری لے کر آیا میں, کیا ہے اور میری گئی تو میں لا دی. یہ سب ہو رہا, یہ مزید کیا لگتا, نو چینج. آپ بول بول کے تھک جائیے, اچھا ریک لگا بھی دے کچھ جگہ. اب وہ کون سکھائے کہ ریک میں چپل رکھنا ہے, مطلب ایسا آ رہا ہو چپل ادھر چلا, اب آئے بت کہاں تھی میری چپل, کہاں ڈالا میں نے چپل, پریشان ہے وہ خود, جلدی میں ایسی ہوتا, کبھی آپ بھی جلدی میں رکھے بھی تو بھول جاتے کہاں رکھے, ادھر کی ریک میں تھی ادھر کی ریک میں تھی. یہ حال بہت بہتر تھی, کوئی چینج لانے کو ریڈی نہیں, مطلب اب وہ وہاں ہیں. اور کتنی چیزیں بہرحال, یہ مسجد کے آس پاس کا ماحول دیکھو, مسجد کے آس پاس کی صرف دیواریں دیکھو یار, کتنی گندی, ہم خود تھوکتے اس پہ. حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک بار دیوار پر بلغم تھوکا ہوا دیکھا مسجد نبوی, کیونکہ گھر سے باتیں وہ سب وہ تھے, نیچے پتھر کی تھی, اوپر چھال وغیرہ تھی اور کچھ حصہ اس کا چھال سے ہی لگا ہوا تھا, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا اور منع کیا مسجد کی دیوار پر, ہاتھ سے نکالا بلغم جو سوکھ گیا تھا, منع ہے نا. پھر بھی دیکھیے اب صفائی کا کوئی خیال نہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, بہرحال چینج لانے کی ضرورت ہے کمیونٹی کو ہر جگہ ہر اس میں, لیکن وہ سوچ ہونا پہلے, وہ سوچ کہ مجھے بدلنا ہے, سوچ کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں, سوچ کہ اگر میں غلط نہیں بھی کر رہا تو دنیا کہاں جا رہی ہے, مجھے بھی آگے جانا ہے. میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں, میں دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسان رہوں گا اور ساتھ میں سب سے زیادہ دیندار بھی رہوں گا, یہ میری پہچان ہے. اسلام کی ہی خصوصیت ہے کہ اس پہ چلنے والا اس کے دین پر بھی چل سکتا ہے اور دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے, باقی کسی مذہب کی خصوصیت نہیں کہ اس کے دین پر بھی چلے اور دنیا میں آگے بڑھے. بہرحال ہم کو سوچ تبدیلی لانے کی سوچ کی ضرورت ہے, اور سوچ کے بعد پھر پریکٹیکلی عمل کرنے کی. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.